हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति। ज्योति के पकवान में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड काढ़ा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। ये कफ, कोल्ड, कोरोना सब में बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिसको हल्की फुल्की खांसी होती है उसके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है थोड़ी सी हल्दी ली है, अजवाइन ली है, चाय की पत्ती ली है, अदरक, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, जीरा, पुदीना के पत्ते, दालचीनी और थोड़ा सा हम लेंगे वहाँ पे नींबू। एक मैंने बड़ी इलायची ली है। मैंने एक फ्राई पैन में करीब 2 ग्लास पानी लिया है। इसे हम गर्म होने के लिए ढक देंगे। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें जो हमने मसाले बताए थे वो सब इसमें डाल देंगे। सब मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे। करीब 5 से 8 मिनट तक हमें इसे उबालना है हाई फ्लेम पे। अब उसे अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से पानी उबलने देंगे। इसे हम ब्लैक टी भी कह सकते हैं। इसे हम दिन में 2 या 3 बार लें तो हमें सर्दी जुकाम में बहुत आराम मिलता है। इसे आप सुबह उठने के बाद, रात को खाने के बाद भी पी सकते हैं। इसे थोड़ा गर्म गर्म ही पिए तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब इसे हम आधा होने तक पकाएंगे। ये बहुत अच्छी ड्रिंक होती है। ये हमें नॉर्मल वे में भी दिन में एक बार जरूर लेनी चाहिए। ये टी विंटर में भी बहुत हेल्पफुल होती है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। आप इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। जिसको थोड़ा सा मीठा पसंद होता है वो थोड़ा गुड़ भी डाल सकता है। अब इसे इस तरीके से मिला मिला के थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो देखिए हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में छान लेंगे। इस तरीके से मैंने इसे छान लिया है। अब हम इसे गरम गरम सिप सिप करके पियेंगे। ये गरम गरम ही बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू, नींबू का रस। इस तरीके से अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। रेडी है हमारी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। इसे दिन में 2 बार तो जरूर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।